सामने जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यह है हमारा मनी प्लांट का पौधा। इसकी ग्रोथ रुक चुकी है। अगर आपके भी मनी प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है, उस पर पत्तियां अच्छे से बड़ी साइज की नहीं आ रही हैं, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसका इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं तो आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। और इसके अलावा अगर आपके पौधे की पत्तियां छोटी हैं तो वो भी सही साइज की हो जाएंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने मनी प्लांट के पौधे को बहुत ही तेजी से बढ़ाना, तो हमारी ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएं। मनी प्लांट के पौधे के लिए वो सस्ता और बेहतरीन फर्टिलाइजर कौन सा है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, वो फर्टिलाइजर दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मनी प्लांट के पौधे के लिए थोड़ा बहुत केयर एंड टिप्स, जैसे मनी प्लांट के पौधे को कैसी जगह रखना चाहिए वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मनी प्लांट के पौधे को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती हो, बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पर नहीं रखना है और बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा, जिस जगह पर आपने मनी प्लांट के पौधे को रखा हुआ है वहाँ पर छत होना चाहिए, मतलब ओस की बूंदें या फिर कोहरा वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। मनी प्लांट के पौधे को आपको ऐसी मिट्टी में लगाना होगा जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, जिसमें अच्छे से पौधे की रूट्स ग्रोथ कर सकें। अगर आप इस पौधे को हार्ड मिट्टी में लगाएंगे तब भी पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, पत्तियों का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा, आप सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, आप पौधे की पत्तियों पर अच्छे से सावर करें, अच्छे से पानी से इस पौधे को जरूर नहला दें, खासतौर से गर्मी के मौसम में। सर्दी के मौसम में आप सातवें दिन ये काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप गर्मी के मौसम में अपने पौधे को अच्छे से नहीं नहला पाते हैं, तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जब भी आप अपने पौधे को पानी दें तो जो मॉस स्टिक के सहारे आपने मनी प्लांट को चढ़ा रखा है, ग्रो कर रखा है, तो मॉस स्टिक में पानी जरूर पहुँचा दें। इससे क्या होगा कि जो मनी प्लांट की एरियल रूट्स होती हैं वो आपके मॉस स्टिक से अच्छे से मॉइस्चर खींचती रहेंगी और आपके जो पौधे की पत्तियों की ग्रोथ वो भी सही रहेगी और पौधा भी बिल्कुल हेल्थी और ग्रीन दिखेगा। मनी प्लांट के पौधे की कटिंग किस तरीके से लगाई जाती है, कैसे इसको ग्रो किया जाता है, पानी में या फिर मिट्टी में? तो दोस्तों शायद आपको पता होगा कि मनी प्लांट के पौधे की कटिंग अगर आप पानी में लगाते हैं तो पानी में भी आसानी से चल जाती है, मिट्टी में भी इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छा जो आइडिया है, अगर आप इसकी कटिंग रेत में ग्रो करते हैं तो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा रूट्स बन जाती हैं। वैसे तो दोस्तों मनी प्लांट के पौधे के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मनी प्लांट के पौधे के लिए आपको ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा जिसमें नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा हाई हो। जिस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा उसका इस्तेमाल करने से आपका मनी प्लांट का पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगेगा। दोस्तों ये वही मनी प्लांट है जिसको हमने अभी आपको दिखाया था, जिसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो थी, पत्तियों का साइज भी बहुत ही छोटा था। तो हमने इसमें एक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था जिससे कि हमारे इस पौधे पर 20 दिन के बाद में ही अच्छा रिजल्ट मिल चुका है और इस पौधे की पत्तियां भी अच्छे से भर चुकी हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सा फर्टिलाइजर था जिसका हमने इस्तेमाल किया जिससे कि हमारे इस पौधे की हालत बहुत बढ़िया हो चुकी है। मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तेजी से मनी प्लांट को बड़ा करने के लिए और इसके अलावा पौधे की पत्तियों का साइज को बढ़ाने के लिए आपको दोस्तों गोमूत्र इस्तेमाल करना होगा। गोमूत्र आप किसी भी पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसको पतंजलि की शॉप से भी खरीद सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप किसी भी गौशाला में जाकर के फ्री में भी इसको ला सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों दो तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधे की पत्तियों पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं और पौधे की मिट्टी में भी इसको यूज कर सकते हैं। इस जग में दोस्तों हमने 2 लीटर पानी भरा हुआ है, 2 लीटर पानी में हम गोमूत्र को लगभग 10 ml यूज करेंगे। इसमें गोमूत्र को डालने के बाद में पौधे की मिट्टी में इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हम पौधे की पत्तियों पर भी छिड़काव करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम गोमूत्र को पानी में डालने के बाद में अब हम पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। पौधे की मिट्टी में दोस्तों आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फुली ऑर्गेनिक होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब हम पौधे की पत्तियों में छिड़काव करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ पानी लिया हुआ है, मतलब 1 लीटर पानी लिया हुआ है इस स्प्रे बोतल में। 1 लीटर पानी में दोस्तों हम 4 से 5 ml गोमूत्र को डाल लेते हैं, उसके बाद में अच्छे से इसको हिला लेंगे और हिलाने के बाद में पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव करेंगे। 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो आपके पौधे की पत्तियों पर अच्छी चमक आएगी और पौधे की ग्रोथ भी फास्ट होगी। तो आज की हमारी ये वीडियो और ये फर्टिलाइजर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी हो। चलिए चलते हैं
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने पौधों का और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। चलिए बाय।